हाय गाईज गुड इवनिंग वेलकम टू अन अकेडमी मेरा नाम है सीप पाहुजा एंड आई एम अजी एजुकेटर इन नीटी कैटेगरी एंड आज हम खत्म करने वाले हैं अपने इस 75 फाइव हार्ट चैलेंज के चैप्टर को दैट इज एनिमल किंगडम एनिमल किंगडम वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर है यूनिट वन को बिलोंग करता है और इसमें से थ्री टू फोर क्वेश्चन आने की वेटेज है और हम लोग यहाँ तैयारी कर रहे हैं ट्वेंटी ट्वेंटी फोर की बट सिंस ये चैप्टर इलेवेंथ क्लास का है तो डेफिनेटली इसको ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एस्पेरेंट्स भी इस क्लास में देख सकते हैं ठीक है जी अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं मैंने हर चैप्टर पढ़ा रखा है हर फॉर्मेट में डिटेल फॉर्मेट में क्रैश कोर्स फॉर्मेट में वन डे वन चैप्टर में आप जाकर देख सकते हैं जस्ट आपको गूगल पे डालना है सीप पाहुजा लिंक ट्री ठीक है लिंक ट्री लिखना है और आगे मेरा नाम लिख देना है सी पाहूजा ठीक है आपको वहां पर मेरे द्वारा पढ़ाया गया हर चैप्टर का प्रॉपर प्ले लिस्ट विद देअर पी डी मिल जाएगा तो अगर आप अपनी स्पीड से पढ़ना चाहते हैं डेफिनेटली आप उस प्ले को फॉलो कर सकते हैं ठीक है चलो अब आज तो आप मेरी स्पीड से पढ़ेंगे <laughs> कोई चांस नहीं है अपनी स्पीड से पढ़ने का मेरी स्पीड से पढ़ने के लिए अभी रेडी हो जाओ कल हमने नॉन कॉर्डेट्स चालू कर लिए थे नॉन कॉर्डेट्स में हम लोग कवर कर चुके थे टिल एनिलेडा हमने क्या किया था कि यार टोटल मेरे पास कितने फाइलम है एनिमल किंगडम है उसमें बहुत सारे फाइलम है दैट इज E, ठीक है जी हम ये ए क्यूब का ए कर चुके थे दैट इज एस केलमि हम कर चुके हैं एंड आज हम करने वाले हैं ऑर्थ्रोपोडा से स्टार्टिंग अब बेसिक बेसिक फीचर्स है याद रखने हैं अपने को एंड फटाफट से कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं और मैं बता दूं आज शाम को 6 बजे की क्लास में आज शाम को बेटा जी 6 बजे की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं माइंड मैप किसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज बाईस है ना हाँ बिल्कुल टाइम पे चल रहा है, कोई है, कोई है।, अच्छा, है। को बेटा का है शाम को बजे। क्या कोई डिले नहीं है नहीं मिस कर सकता क्यों क्योंकि उसमें अमेजिंग अमेजिंग माइंड मैप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं थोड़ी सी झलकी आपको दिखा देती हूँ इन माइंड मैप्स की आप देख रहे हैं दिस इज एनिमल किंगडम अब आपने उस क्लास में एनरोल अभी किया नहीं है है ना मैं सारा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि दिस इज सपोज टू बी शोन इन स्पेशल क्लास अभी बेटा जी आपने उस क्लास में एनरोल किया नहीं है तो कब करोगे ब्यूटिफुल माइंड मैप से अमेजिंग अमेजिंग अब मैं अभी नहीं दिखाऊंगी छुपा <laughs> लिया मैंने छुपा लिया छह बजे की क्लास पिन की हुई है यार यहाँ पर मुझे एनरोलमेंट देखने रहा है बेटा और कल आपका इसका टेस्ट सीरीज है अगर आपने आज की क्लास नहीं लगाई देखो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं पहले बता दूं टेस्ट सीरीज में एनिमल किंगडम के ही आएंगे क्योंकि फ्रॉग लिविंग वर्ल्ड और एनिमल किंगडम में से सबसे बड़ा पोर्शन एनिमल किंगडम का ही है ठीक है सबसे बड़ा पोर्शन यही है ओके <coughs> okay? तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट टू बोथ द क्लासेस आज आपका पूरा एनिमल किंगडम तैयार हो जाएगा माइंड मैप्स भी कर लेंगे और डीपीपी भी कर लेंगे एनरोल करे आ, चेक कर लेती हूँ मैं मुझे दिखता है बेटा आपका एनरोलमेंट ठीक है जिसने नहीं किया फटाफट से जाके करके आओ नहीं तो मुझे दिख जाएगा अभी नहीं हुआ है अभी नहीं हुआ है एनरोल है, है ना डाउनलोड क्यों करना है मैं खुद पढ़ाऊंगी ना बच्चों डाउनलोड क्यों करना है आ जाओ चलो ऑर्थोपोडस शुरू करते हैं यस मैं खुद आपको वन लाइन बाय लाइन सारी चीजें बेटा जी उसकी पढ़ाने वाली हूं छह बजे की क्लास कोई मिस नहीं करेगा क्योंकि ये आपको तभी मिलेंगे माइंड मैप्स अगर आप उस क्लास को पूरा लाइव लगाएंगे नहीं तो बेटा जी अब डाउनलोड का ऑप्शन वहां पर मैं इसका ब्लॉक करा दूंगी क्योंकि ये इस तरीके से बटने के लिए नहीं मेरी ये क्लास है मेरी ये क्लास है दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क ओके यस अटेंडेंस लग गई है लग जानी चाहिए टेस्ट सीरीज टेस्ट सीरीज कल है सुबह बारह बजे कल सुबह बारह बजे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है इसका लिंक भी मेरे टेलीग्राम पे मिलेगा मतलब सारे लिंक सारे पीडीएफ माय नेम दैट इज पाहुजा बायोलॉजी ऑफिशियल ज्वाइन कर लेना आ जाओ मेरे बच्चों मैंने बोला था हर फाइलम का नाम ना बहुत सोच के रखा गया ऐसे ही नहीं रख दिया पॉरीफेरा का नाम पॉरीफेरा इसलिए था क्योंकि उसमें पोर्स थे का नाम नाइटेरिया इसलिए था क्योंकि उसमें स्टिंगिंग सेल्स यानी कि नाइडोब्लास्ट थे कुम थी उसके पास इसीलिए उसका नाम कुम्बिर था ऑर्थ्रोपोडा का नाम भी तो कुछ सोच के रखा होगा ऐसे तो नहीं हवा में नाम रख दिया ऑर्थ्रोपोडा का नाम बेटा जी ऑर्थ्रोपोडा इसीलिए रखा क्योंकि वर्ड क्या होता है ज्वाइंटेड ऑर्थ्रो का क्या मतलब होता है ज्वाइंटेड पोडा का क्या मतलब होता है अब बेटा जी ऑर्थ्रोपोडा इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइलम ंगडम मतलब सबसे ज्यादा एनिमल्स में बिलोंग करते हैं इनफैक्ट बेटा टू थर्ड ऑफ एनिमल्स दे बिलोंग टू दिस कैटेगरी मच्छर इंसेक्ट ये सब जो तुम देखते हो ना ये सब क्या है आपके ऑर्थ्रो तो पोडा है ठीक है जी और इन सब के पास एक खास बात क्या है कि इनके अपेंडिजेज अपर है, है ना लेग्स एंड यू कैन से आर्म्स वो क्या है जॉइंटेड अपेंडेजेस कॉकरोच देखे ना कॉकरोच के अपेंडेजिज देखिए इस तरीके से जॉइंटेड अपेंडेजेस है वैसे ही हर ऑर्थ्रोपोड में एक कॉमन फीचर है जॉइंटेड अपेंडेजेस इसीलिए वो सब इस फाइलम के अंदर आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑर्थ्रोपोडा बोलते हैं ठीक है जी आगे चलते हैं इस पे ऑर्थ्रोपोडा वालों के पास खास बात ये लोग इतने कॉमन क्यों है ये बेटा जी आपको हर जगह मिलेंगे पानी में, में बटरफ्लाई हवा में चल रही है ना लैंड पे बेटा जी आपका कॉकरोच चल रहा है कॉकरोच उड़ भी सकता है ठीक है जी पानी में भी आपको मिलेंगे प्रॉन्स हैं, क्रैब्स हैं स्पाइडर ये सब कौन है ऑर्थ्रोपोडा वाई आर दे सो सक्सेसफुल हर जगह कैसे मिल जा रहे हैं यार हर टाइप के एनवायरमेंट में हर टाइप के टेम्परेचर में हर टाइप के लैंडस्केप में हाउ इज इट पॉसिबल दे आर सो सक्सेसफुल बिकॉज दे हैव क्या है यानी कि इन सब ऑर्थ्रोपोड के बाहर जैसे हमारा एक्सोस्केलेटन कौन बना रहा है स्किन हमारी स्किन है ठीक है जी अब इन लोगों का एक्सोस्केलेटन बाहर का स्केलेटन कौन बना रहा है काइटिन अब काइटिन एक बहुत हार्ड मटेरियल होता है आप सब बायोमोलिक्यूल पढ़ के आयो काइटिन किसका पॉलीमर है बताओ बताओ काइटिन किसका पॉलीमर है कम yes, ऑन जिस जिसने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है वो सब मुझे आंसर देंगे काइटिन किसका पॉलीमर है और इसी वजह से बेटा दे आर मोस्ट सक्सेसफुल सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स बेटा जी लैंड पर यही है क्योंकि इनके पास काइटेन है यस वेरी गुड इट इज पॉलीमर ऑफ नाग नाग क्या है नाग नाग क्या है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन ठीक है जी होमोपॉलीमर है ये ओके okay, तो काइटेन का एक्सोस्केलेटन बेटा जी इसके बाहर प्रेजेंट होता है ये उनको मदद करता है प्रोटेक्शन देने में वन ये उनको मदद करता है हर टाइप के टेरेन में सरवाइव करने के लिए टू ठीक है जी यस और ये काइटिन का एक्सोस्केलेटन की वजह से इनकी बॉडी आसानी से एक्सपैंड भी हो जाती है the time -time में पढ़ते थे अब तो खैर आपकी एनसीईआरटी से निकाल दिए बट थर्टीन निम्फल स्टेजेस होती थी और हर स्टेज पे ना शेडिंग होती है उनकी स्किन झड़ती है स्किन झड़ेगी तो अंदर के ऑर्गन्स को एक्सपैंड होने की जगह मिलेगी फिर नया काइटिन बनेगा फिर पुराना काइटिन झड़ेगा और एक्सपैंड होने की जगह मिलेगी ये जो शेडिंग का प्रोसेस है ना यस दिस शेडिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज मोल्टिंग शेडिंग ऑफ काइटिन का एक्सोस्केलेटन इट इज कॉल्ड एज मोल्टिंग और इसको क्या बोलते हैं एक डाइसिस ये क्यों रिक्वायर्ड है ताकि बेटा जी इनकी यू कैन से एक्सपेंशन ऑर्गन्स की एक्सपेंशन हो जाए क्योंकि बहुत हार्ड है ना आपने एक ही बार काइटिन ऊपर लगा दिया तो अंदर के ऑर्गन एक्सपैंड नहीं हो पाएंगे हार्ड कवरिंग होगी प्रोटेक्टिव कवरिंग होगी तो आपको बीच बीच में इसको झाड़ना पड़ेगा निकालना पड़ेगा ताकि अंदर के ऑर्गन्स को एक्सपैंड होने की की जगह मिले ठीक है जी साथ ही में इस काइटिन वजह से ना सूखते नहीं है इट प्रिवेंट्स इवेपोरेशन तो गर्मी के माहौल में भी दे कैन इजिली सर्वाइव इवेपोरेशन को भी प्रिवेंट करता है अब अभी ऑर्थ्रोपोड है ये आपको हर टाइप के हैबिटेट में पाए जाएंगे ठीक है हैबिटेट में यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ हर टाइप के हैबिटेट में पाए जाएंगे जैसे कि बेटा जी आपको ये ओशंस में भी मिल जाएंगे ठीक है आपको लैंड में भी मिल जाएंगे आपको हवा में भी मिल जाएंगे ठीक है जी ओशंस में जैसे आपको मिलता है लिमुलस किंग क्रैब लैंड पर आपको कौन मिल जाता है कॉकरोच मिलता है लोकस्ट अभी हम सबके बारे में पढ़ेंगे एयर में कौन से मिल रहा मक्खी मक्खी मच्छर कितनी मक्खी है बताओ कितनी मक्खियां हैं तुमने देखी हैं बताओ कितनी ज्यादा मक्खियां वैरायटी है कल अमेजिंग माइंड मैप्स इज नेकलेस फ्रॉग इज टेललेस वैसे बेटा इनकी बॉडी के तीन हिस्से हैं उसके तो दो थे एक था हेड और एक था ट्रंक ट्रंक में थोरैक्स आ जाता था, था लेकिन इनकी बॉडी में द बॉडी इज डिविजिबल इनटू थ्री पार्ट्स यूजुअली बॉडी इज डिविजिबल इन टू थ्री पार्ट कौन सा हेड कॉक्रोच को याद कर लो जिसने कॉक्रोच पड़ा हुआ वो बता सकता थॉरिक्स एंड एबडोम तीन चीजें बेटा जी इसकी बॉडी के हिस्से बनाएंगे हेड थॉरिक्स एंड एबडोम ओके जी इतना बेसिक हो गया फटाफट से जरा यहां देख लो हांजी हम लोग कर रहे थे ऑर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है टू थर्ड ऑफ द एनिमल जिसमें आते हैं अब बेसिक मैंने चीज वहां नहीं लिखी हम सबको पता चल चुका है कि ऐसे हेल्मिन्थिस के बाद सबके पास ऑर्गन सिस्टम होगा लिखने का जरूरत है बताओ क्या इसको लिखने का जरूरत है नहीं हमें पता ऑर्गन सिस्टम होगा उनके बाद सबके पास बायोलेटरल सिमेट्री होगी प्लाटी हेलमेंट के बाद लिखने का जरूरत नहीं है अगेन विद एक्सेप्शन इकाइनो ट्रिप्लोब्लास्टिस सारे हैं और सेगमेंटेड हैं सेगमेंटेशन में मैंने ए ए सी लिखा था क्या था ऑर्थ्रोपोडा एनिलिडा कॉर्डेटा

फोर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स आ जाओ यस <laughs> yes, हम लोग बात किसकी कर रहे हैं अरे मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं नहीं बनाते हैं बनाते हैं या फिर नहीं बनाते हैं हां जी सेशन को लाइक नहीं किया अटेंडेंस अपनी लगाई नहीं है क्लास में एनरोल नहीं कर रहे हैं आते हैं लेकिन किसके लिए बातें करने के लिए बेटा जी क्या चाहते हो कल सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेस्ट सीरीज में इसी के हैं फ्री टेस्ट सीरीज बेटा यूट्यूब पे ये पहली देख रहे हो आप अभी तक यू आर पेइंग फॉर टेस्ट सीरीज वेयर एवर यू आर एनरोलिंग ठीक है इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ एनी प्लेटफॉर्म यू हैव टू पे बट इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद प्लेटफॉर्म पे मैंने कोशिश की है कि यार मैं बच्चों को फ्री टेस्ट सीरीज दे पाऊं तो जो कल बारह बजे की टेस्ट सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा बेटा जी फिर मैं अगली बार ये बंद कर दूंगी मैंने प्लान किया कि किस तरीके से हम 32 के 32 के चैप्टर्स करेंगे तो यू यू हैव टू मेक श्योर दैट आर इट एंड अपनी अटेंडेंस भी लगा दीजिए इतने सारे बच्चे क्लास को देख रहे हैं लेकिन अटेंडेंस अभी यादों की भी नहीं लगी है फटाफट से अटेंडेंस लगाओ और कल की टेस्ट सीरीज का प्रेपरेशन आज होगा आज अगर आपने सात बजे तक मेरे साथ लग के एनिमल किंगडम डन कर दिया उसके बाद कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है सीधा कल टेस्ट देना ठीक है सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं बता रही हूं इसी में से है मतलब इस पेज में से नहीं है हो भी सकते हैं टेस्ट तो मैं देख चुकी हूं बट है बस ठीक है तो गिल्स होते हैं बुक गिल्स होते हैं चार तरीके के रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर लिखूंगी बुक लंग्स एंड ट्रैकिअल सिस्टम ट्रैकिअल

तो टरी स्ट्रक्चर की अब सबसे पहले सर्क्युलेटरी सिस्टम क्लोज किसके पास आया एनेलिडा अब आदमी सोचता है एक बार क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टम आया तो आगे सबके पास क्लोज रख दे नहीं ऐसा नहीं होगा एक बार क्लोज सर्क्युलेटरी सिस्टम आ गया है दैट डीन की आगे आने वालों के पास सबके पास क्लोज होगा ये वाला बेटा ऐसा फाइलम है जिसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इट इज नॉट क्लोज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे इसको गलत लिख के आ जाते हैं कॉकरोच के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज नहीं होता है कॉकरोच देखा बेटा कभी कॉकरोच को कैसे पता चलता है आगे खाना पड़ा है? ये किचन है किचन में मुझे घुसना है और इस जगह पर जाना है यहां रोटी पड़ी है या फिर यहां पर किसी सब्जी की महक आ रही है हाउ कैसे पता चलता है क्या लगा हुआ है कॉकरोच के सर पे याद करो कॉकरोच की फोटो ऐसे हेड यहाँ ऐसे बड़े बड़े बेटा लगे हुए थे ना ये देखो <laughs> ये मैंने तीन पेयर उसके लेग्स के बना दिए ये दो पेयर मैं उसके विंग्स के बना रही हूँ हां जी ये आगे क्या लगा हुआ था एंटीना इस एंटीना के पास ऐसे रिसेप्टर है इसको स्मेल आ जाती है

ठीक है दूसरा आपका स्मेल स्मेल को अगर ऑल फैक्शन लिखाओ तो घबरा मत जाना एक ही बात है ठीक है एक ही बात है और क्या प्रेजेंट है कॉकरोच में कॉकरोच को इमेजिन करो और बेटा जी प्रेजेंट है उसकी आंखें है ना आइज प्रेजेंट है कंपाउंड आइज होती है एंड उसके अंदर ओमिटिडिया होता है राइट 2000 प्रेजेंट होते हैं और विज़न है। है। है? है। जब भी नाम आ जाए स्टार्टोसिस्ट मेरे बच्चों किसके लिए बैलेंसिंग के लिए ठीक है बैलेंसिंग के लिए तीनों चीजें याद होगी सेंसरी में आंखें हैं एंटीना है और आपका स्टार्टोसिस्ट है अब बात करते हैं एक्सक्रीशन की जिसने कॉकरोच पड़ा हुआ है उसके लिए ऑर्थ्रोपोडा ना कुछ भी नहीं है वैसे अगर मैं बात करूं एक्सक्रीशन की पिजियन क्या, किसी को याद है कितने होते थे डू यू रिमेम्बर कितने होते थे एक्सक्रीशन, पे सवाल आते है। एक्सक्रीशन कैसे था फ्लेम सेल आगे बढ़ो और किसी के एक्सक्रीशन पढ़ा है हमने इतना डिटेल में नहीं पढ़ा अब इसका एक्सक्रीशन में आया है हमारे पास मॉलपिजियन

बुक गिल्स बुक लंग्स मैंने बता दिया किस किस्म है सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है सेंस ऑर्गन है आईज है कंपाउंड और सिंपल दोनों हो सकते हैं अब बात आती है रिप्रोडक्शन और इनकी इंपॉर्टेंस की पेपर यहीं से आएगा चाहे वो नीट का एग्जाम हो चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो अगर कोई बंदा या कोई टेस्ट सीरीज या कोई इंस्टीट्यूट तुम्हें एनिमल किंगडम प्लांट किंगडम में सवाल आउट ऑफ एनसीईआरटी डाल रहा है वो गलत कर रहा है तुम्हारे साथ क्योंकि वहां से इससे बाहर नहीं आएगा इन चैप्टर्स में तो हरगिज नहीं आएगा ठीक है जी चलिए बात करते हैं बेटा जी रिप्रोडक्शन की दे आर डायोशियस डायोशियस मतलब डाय मतलब दो

लेकिन अंडा बॉडी के अंदर ही हैच हो जाएगा ओवीपेर क्या होता है अंडा बनाया, बनाया मैंने स्कॉर्पियंस हो क्या होते हैं ओवो वीवी पेरस होते हैं ओके चलिए डेवलपमेंट बेटा जी लार्वा से भी हो सकती है और डायरेक्ट भी हो सकती है अब बात करते हैं बेनिफिट वाली और नुकसान वाले इंसेक्ट की इसमें से सवाल बहुत आता है बेटा जी फायदे का इंसेक्ट कौन सा है और मेरे नुकसान का इंसेक्ट कौन सा है फायदे के इंसेक्ट देख लेते हैं एज इट इज अ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा yes सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पहला कौन है एपिस यानी कि हनी भी क्या फायदा होता है हनी मिलती है बीवैक्स मिलती है कुछ ऐसी आइटम्स मिलती है जो हम दवाइयों में भी डालते हैं बी पॉइजन मिलता है चलो जी फायदा क्या हो गया अगला बॉम्बिक्स सिल्क वर्म, क्या बनेगा बेटा जी सिल्क की साड़िया सिल्क के सूट शादी का सीजन आ रहा है ना तो सिल्क हमने किससे बनाई ये कांजीवरम सिल्क है जी ये, ये सिल्क है जी बॉम्बिक्स जी से बनाई ठीक है लैक लैक इंसेक्ट क्या बनता है बेटा जी बैंगल्स लाख की चूड़िया है ना सुना है ना ये uh, मुजफ्फरनगर या एम से कोई शहर है मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर समवेयर इन यूपी इट इज हब ऑफ मेकिंग एम से है शायद वो शहर मे बी मैं गलत बता रही हूँ बट एक जगह है जो बहुत फेमस है बेटा इनकी चूड़ियों के लिए पता नहीं क्या नाम है नो <coughs> बैंगल्स no, no, के लिए फिरोजाबाद में भी मे भी आ, फिरोजाबाद हो सकता है मतलब कोई बाद ही ऐसा जैसे मुरादाबाद बाद है ना फिरोजाबाद समवेयर इट्स अ प्लेस वेयर इज वेरी फेमस फॉर लाख की चूड़ियां तो ये जो लाख है ये क्या है लैक्सिफर लैक्सिफर इंसेक्ट इंसेक्ट जिसको हम इंसेक्ट बोलते हैं इससे बेटा जी चूड़ियां बनती हैं आ, बैंगल्स कुछ टॉयज भी बनते हैं सीलिंग वैक्स सीलिंग वैक्स का भी काम करता है मतलब जोड़ने का जैसे वो एम सील नहीं होती उसका भी काम करता है तो फायदे के मेरे पास तीन इंसेक्ट तीन ऑर्थ्रोपोर्ट हो गए हनी भी अपना लैक एंड बॉम्बिक्स आगे आ जाओ

ऊपर नीचे हो गया थोड़ा सा चलो इससे मैनेज हो जाएगा अब ठीक है यस नाउ इट इज़ फाइन यस नाउ इट इज़ फाइन इज इट विजिबल दिख है मेरे बच्चों सबको हाँ जी मैं ही लिख देती हूँ अगले पेज पे लेट मी राइट एड वो गड़बड़ वो कर रहा है चलिए वेक्टर में लिख देती हूँ कौन कौन से इंसेक्ट एज अ वेक्टर बेटा भी एक्ट करते हैं और बीमारियां फैलाते हैं कौन आ जाएगा सबसे पहले है एनोफिलीज यस एनोफ्लिस बेटा जी किसकी वेक्टर है मच्छर है यार एनोफ्लीस फीमेल एनोफ्लीस इट इज द वेक्टर फॉर मलेरिया मलेरियल पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है उसको फैलाने वाला मच्छर कौन सा है फीमेल एनोफ्लिस फिर मेरे पास आता है फीमेल क्यूलेक्स ये किसको फैलाता है एलिफेंटियासिस को वो श्रेरिया को कल कहता वो एलिफेंटियासिस तो यार एलिफेंटियासिस का वेक्टर कौन है मच्छर क्यूलेक्स और फीमेल मच्छर ही काटती है मेल मच्छर नहीं काटता है याद रखना है क्यों फीमेल काटती है क्योंकि फीमेल को ही अपने एग की ग्रोथ के लिए वार्म ब्लडेड एनिमल का ब्लड चाहिए होता है मेल को पास एग होता ही नहीं है उसको चाहिए ही नहीं है ठीक है सो फीमेल मच्छर ही काटती है हां जी कल किया था कल नहीं मतलब पिछले हफ्ते किया था एडीज किसका वेक्टर है डेंगी डेंगी एंड चिकनगुनिया ठीक है चिकनगुनिया का वेक्टर है बेटा जी आपके पास आ जाएगा रैट रैट किसका वेक्टर है आपका प्लेग का देन बेटा जी आपके पास आ जाएगा ग्लॉसीना ग्लॉसीना होती है से से फ्लाई से फ्लाई यस yes. ये किसकी वेक्टर है स्लीपिंग सिकनेस स्लीपिंग सिकनेस यस देन आपके पास आ जाएगा फ्लिबोटो टोमस यस दैट इज भालू मक्खी भालू मक्खी होती है सैंड फ्लाई ये किसकी वेक्टर है काला आजार की काला आजार को कॉज करने वाला लिश्मानिया ठीक है इसका वेक्टर कौन है फ्लिबोटोमस भालू मक्खी सैंड फ्लाई फ्लिबोटोमस ठीक है जी तो ये मेरे वेक्टर है जो कि बीमारियां फैलाने का काम करते हैं वेक्टर इज नॉट दॉजिटिव एजेंट बेटा मलेरिया की वजह से नहीं होता है क्यूलेक्स की वजह से नहीं होता है मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है लेकिन प्लाज्मोडियम फैलता कैसे है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज विद हेल्प ऑफ वैक्टर ओके ये बात याद रखनी है पॉजिटिव एजेंट नहीं है यह फैलाने का यंत्र है कि यार के अंदर प्लाज्मोडियम घूम रहा है बन के। किसी को भी काटेगा का, दे देगा सेम वे क्यूलेक्स के अंदर वुशरेरिया है आपका डेंगू वायरस एडीज के अंदर है सो दीज आर वेक्टर नॉट पॉजिटिव एजेंट बेस पर फोकस करेंगे रट्टे नहीं मारेंगे ऐसे बैठकर ओके okay, चलिए एक इंसेक्ट के बारे में खास बात करनी है टिड्डियों के बारे में टिड्डियों का झुंड आया था यार पीछे अभी जयपुर में दिल्ली में पता नहीं आता रहता है टिड्डी का झुंड न्यूज में भी आया टिड्डियां आ रही हैं पाकिस्तान से टिड्डी आ रही है आ रही है व्हाट इज इज दिस लोकस्टा ठीक है? ये लोकस्टा हम हमेशा बात करते टिड्डी का झुंड आ रहा है अकेली नहीं आ रही टिड्डी है ना अकेली नहीं आ रही क्योंकि ये एक ग्रिगेरियस पेस्ट है ग्रिगेरियस होता है जो ग्रुप में रहते हैं समझ रहे हो <coughs> ग्रिगेरियस क्या होता है जो ग्रुप में रहता है ठीक है ऐसा एनिमल पेस्ट है तो यार हार्मफुल टू ह्यूमन है ग्रीगेरियस इसीलिए बोला है क्योंकि बेटा जी ग्रुप में रहता है दिस इज टिड्डी एंड ये टिड्डी की फोटू ये देखो हां जी फोटोग्राफ से भी पहचानना आ सकता है डायग्राम से बनाना नहीं आएगा ना बोर्ड में आएगा ना कहीं आएगा देखो पहले नंबर पे क्या बनाया है ओवरवीवी पेरिंग तो और, और बेटा जी ये कौन है आपके प्रॉन्स है बाकी सेंटीपीड मिल्ली ये सब भी किस में आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में ही आते हैं हां जी कौन सी एड आड? एड एड क्या क्या बेटा बीच में ये कितने टाइम कितनी बड़ी एड आती है मेरी क्लास में मुझे नहीं पता चलता बेटा आई है जी याद हो गया याद हो गया मेरे बच्चों चलिए तो ऑर्थ्रोपोडा की बात हम कर चुके हैं अगला फाइलम मेरे पास कौन सा आता है मोलस्का अब नाम मोलस्का ऐसे तो नहीं रख दिया इसका भी कोई मतलब होगा दीज आर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स ये क्या है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स है मोलसका बॉडी क्यों रखा है क्योंकि इनकी बॉडी क्या है काफी सॉफ्ट है आग लगा देंगे रोलेक्स आ गए लगता है क्लास में बेटा रोलेक्स ना वो है क्या कहते हैं हमारी प्लस क्लास के काफी शातिर और खुराफाती किस्म के इंसान हैं

सोचो आई ऑल्सो बिलोंग टू मतलब माई नेम बिलोंग्स टू मोलस्का मोलस्का बेटा जी जब आप पढ़ेंगे तो आपके माइंड में ऑक्टोपस आना चाहिए आपके माइंड में शंख वाले एनिमल्स एनिमल्स जो हम समुद्र में जाते हैं तो जब लहरें आती है तो साथ में शंख आ जाता है व्हाट इज दैट शंख शंख इज द कैलकेरियस शेल ऑफ मोलस्कन उसके अंदर मोलस्क था अब पता नहीं जो तुम पे शंख आया उसमें है या नहीं अंदर बट था ठीक है जी यस हाँ वॉट इज सीप मैंने क्यों यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया बेटा जी ऑयस्टर को बोलते हैं एंड ऑयस्टर इज अ मोलस्क पिंक टाडा ठीक है पिंक टाडा एक मोलस्क का नाम है ये वो mo का है जिसके अंदर ओवर द टाइम मोती बनता है जो सुच्चा मोती होता है ना बेटा व्हाइट कलर का काफी महंगा भी मिलता है लोग ज्वेलरी बनाते हैं उसकी है ना सेट बना के पहनते हैं नेकलेस बना के पहनते हैं सो दैट सुच्चा मोती डेवलप्स इन साइड दिस ऑइस्टर पिंक टाडा के अंदर यानी कि सीप के अंदर तो सीप के अंदर क्या बनता है मोती बनता है इसी वजह से बेटा मेरा नाम रखा है लोग बोलते हैं सीप इज एन इंग्लिश वर्ड नो इट्स इट इज एन इंग्लिश वर्ड सी पेज के लिए भी यूज होता है बट द नेम वॉज केप्ट कीपिंग इन माइंड इट्स हिंदी मीनिंग है ना हिंदी मीनिंग इसका है दैट इज ऑयस्टर एंड जिसके अंदर मोती बनता है तो मेरे अंदर मोती बन रहा है तुम ही हो बेटा मेरे मोती है ना अगर मेरे अंदर मोती है तो यू गाइज आर माय मोती आई एम डेवलपिंग यू है ना आई एम शेपिंग यू ऑयस्टर शेप्स मोती तो आई एम शेपिंग माय किड्स फॉर नीट प्रिपरेशन तो आप सब मेरे सच्चे मोती हैं अब किस मोती का नेकलेस बनेगा और किस मोती को ऐसे फेंका जाएगा वो कैन इज है ना जो मोती पूरा समय रहेगा वो बढ़िया निकल के आएगा उसका नेकलेस बना लेंगे वो डॉक्टर बन जाएगा जो मोती आधा समय आएगा एक क्लास लगाई दूसरी क्लास में चल गायब है ना वो मोती बन नहीं पाएगा उस मोती को बेटा जो ज्वेलर होता है ना रिजेक्ट कर देता है गोल मोती को एक्सेप्ट किया जाता है ज्वेलरी बनाने के लिए उबड़ खाबड़ को जो रफ सरफेस है उसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता ठीक है हाँ <coughs> तो अब तुम देख लो तुम्हें कैसा मोती बनना है मैं तो यही हूं और बता रही हूं अगले हफ्ते तुम एक ऐसी चीज देखने वाले हो जो यूट्यूब पे तुम्हें कोई दिखा नहीं पाया है अच्छे से थोड़ी थोड़ी सब देते हैं बट कोई अच्छे से नहीं दिखा पाया द बेस्ट लेक्चर ऑफ दैट चैप्टर एंड वन ऑफ द बेस्ट विजुअलाइजेशन जहां पर आपको फील आएगा कि यार आप डॉक्टर बनने वाले हैं तो आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम इज एंड बेटा जी टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे मैं लॉन्च करने वाली हूँ नहीं तो तुम एक दिन आए निकल के चलेगा पता ही नहीं चलेगा है ना अगला हफ्ता बहुत एपिक हफ्ता होने वाला है तो उसके लिए रेडी रहना लेकिन पहले हम इस हफ्ते का कार्य पूरा कर लें ले हाँ जी मोलस्का के बारे में बेटा ये देखो तो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है क्या ही हर जगह पाए जाते हैं टेरिस्ट्रियल है एक्वाटिक है मरीन फ्रेश वाटर दोनों जगह और कुछ बेसिक बातें हैं ये लिखने की वाली बात नहीं है बेसिक बात है कि यार ऑर्गन सिस्टम ही होगा इसमें बायोलेटरलीमेट्री बायोलेटरल सिमिट्री है सबके पास ट्रिप्लो ब्लास्ट ये सिलोमेट है ठीक है याद करने की जरूरत नहीं है अब इनकी खास बात क्या है द बॉडी ऑफ मॉलस का इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट आ जाओ मेरे साथ बनाते हैं यस इट हैज हेड पोर्शन हम्प पोर्शन एंड द फुट पोर्शन यस yes, देख मैं की बॉडी बना रही हूँ तीन मेजर पार्ट्स होंगे पहला हिस्सा कौन सा है हेड जिसके पास सेंसरी स्ट्रक्चर होंगे एंटेना आईज अगर प्रेजेंट होंगी दूसरा हिस्सा बेटा जी ये वाला है जिसको हम बोलते हैं मस्कुलर फुट अगर मैंने बोल दिया मस्कुलर है तो चलने के काम आएगा ठीक है तीसरा हिस्सा ये आप ऊपर देख रहे हैं कैमल की तरह दिस कैमल की तरह इस कॉल्ड एज हम्प अब इसके अंदर बेटा जी प्रस्तुत होते हैं विसरल ऑर्गन्स क्या प्रस्तुत होंगे विसरल ऑर्गन्स तो इसका नाम रख देंगे हम लोग विसरल हंप विसरल एक मिनट रुको विसरल हंप तो दीज आर थ्री बेसिक पार्ट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ मॉलस हेड मस्कुलर फुट एंड विसरल हंप अब बेटा जी ये जो विसरल हम्प है ना दिस इज विसरल हम्प यहां पर बेटा सिक्रीट होगी धीरे धीरे एक कैल्शियम की बनी हुई लेयर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंटल यस क्या बोलते हैं मेंटल सारे विसरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया या कोई भी ऑर्गन है वो सब प्रेजेंट है यस yes. तो धीरे धीरे बेटा जी विसरल हम्प के ऊपर कैल्शियम का एक लेयर डिपॉजिट हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेंटल क्या बोलते हैं मेंटल एंड मेंटल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली मोलस्का ठीक है मेंटल एक यूएफ है जैसे मैंने बताया यूएफ होता है ये किसका यूएफ है यूनिक फीचर है सिर्फ और सिर्फ मोलसका का ठीक है जी यस yes, प्रोटेक्शन देता है ठीक है ये क्या करेगा हेड वाले हिस्से को प्रोटेक्शन देगा और डिफरेंट एनवायरमेंट में इसको सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट करने के लिए एनेबल करता है दूसरी चीज बेटा जी ये मेंटल ही है जो इसका शेल सी करेगा वो जो शंख देखे ना आपने दैट शंख इज कैलकेरियस शेल वो शेल किसने बनाया मेंटल ने बनाया ठीक है इट शेल यहीं से आएगा कैलकेरियस शेल ठीक है जी तो शेल्ड एनिमल्स ऑक्टोपस तो नहीं है बट यूजली जैसे स्नेल वगैरह है आर शेल्ड एनिमल्स शेल इज सिक्रेटेड बाय मेंटल ठीक है जी यहां पर दिख रही है ये एक बन रही है मेंटल कैविटी क्या बन रही है मेंटल कैविटी यहां पर आपको फेदर लाइक गिल्स दिखाई देंगे दिख रहे हैं फेदर लाइक गिल्स तो दिस एरिया दिस इज कॉल्ड एज मेंटल कैविटी इस मेंटल कैविटी में आपको मिलते हैं टेनिडिया टेनिडिया कौन है टेनिडिया बेटा जी फेदर लाइक गिल्स है गिल्स का क्या काम होता है यस yes, मेरे बच्चों गिल्स का क्या काम होता है रेस्पिरेशन बट यहां पर रेस्पिरेशन के अलावा इनका एक्सक्रीशन भी काम है दो काम है इनके यस yes, इनके दो काम है रेस्पिरेशन तो होता ही है और क्या होता है एक्सक्रीशन भी यहां पर इंक्लूडेड है याद हो गया क्या? क्या क्या बताया है

वुड बी नाउ एक्स्ट्रा सेलर एडवांस होते जा रहे हैं ना अब बेटा जी इसके पास जो टंग है फाइल लाइक -like है जिसको हम बोलते हैं रेडुला टंग तो नहीं इसके माउथ के पास एक फाइल लाइक ऑर्गन है सो इट इज फाइल लाइक रैसपिंग ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज रेडुला इस पर बेटा काइटिन के दांत लगे होते हैं तो इनको जिसको खाना होता है ना अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए रेडुला रियली हेल्प्स ठीक है इसके पास भी कैसा सिस्टम होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सेप्शन है यहां पर एक्सेप्ट मॉलस्क ये हमने लिखा था परसों लिखा था बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बस करोगे कि नहीं करोगे हाँ ठीक है बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे एक बंदर आया बेटा क्लास में कह रहा सीट मैम आप मोटी हैं हाँ बेटा माय वेट इज फिफ्टी फाइव ओनली माय हाइट इज फाइव फोर मेरा बीएमआई बिल्कुल परफेक्ट है और इनकी लगता है आंखों में स्पेक्स लग गई है है ना आंखों में स्पेक्स लग गई है यस <coughs> yes. और मैं मोटी हो भी जाऊं अभी तो खैर मैं नहीं हूं फ्यूचर में हो भी जाऊं तो है क्या फर्क पड़ता है उससे आपकी प्रिपरेशन में मतलब आपको क्या फर्क पड़ता है मैं नहीं समझती यार मतलब कोई मोटा है कोई पतला है कोई काला है कोई नाटा है आप इन सबसे ऊपर उठते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ जब आप ये ऐसी बातें करते हैं ना यू शुड ऑलवेज थिंक कि मतलब ऐसे सोचा करो आपने आज से पाँच साल बाद तो डॉक्टर बनना है ना एम्स में जाएंगे मैमसी में जाएंगे हो सकता है इसमें से डॉक्टर साइंस मिता है डॉक्टर विभा है डॉक्टर गुरु हैं डॉक्टर Uh, कशिका है डॉक्टर मुंतजा है आप अपने आपको एज ए डॉक्टर इमेजिन करो आज आज अगर आप मान लीजिए छह साल बाद की बात क्या आप डॉक्टर्स के ग्रुप में बैठकर बड़े बड़े डॉक्टर्स के ग्रुप में बैठकर आप ये बातें करोगे मतलब विल यू टॉक लाइक दिस दैट वी विल बॉडी शेम समवन बिकॉज वी डोंट हैव हैव एनी फेस वी डोंट नेम हम किसी के हिडन बंदर के पीछे घुस के मतलब आपने अपना नाम ये रखा और मंकी के नाम के पीछे घुस के हम बॉडी शेमिंग करेंगे और वो भी उसकी जो खैर ऐसा है नहीं आपको तो उसकी भी नहीं करनी चाहिए मुझे नहीं लगता देती है तो आज आपको ऐसे ही ट्रेनिंग ले रहे हैं तैयारी कर रहे हैं ये ऐसी हरकतें करके तो बेटा आपको कोई मतलब जॉब तक ना दे डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है बेसिक नॉर्मल जॉब्स भी कोई नहीं देगा आपको ठीक है ना <coughs> 18 -19 साल के के आप आप होने होने वाले हैं एंड बाद आप ऐसी हरकत कर रहे हैं दुख होता है बेटा आपकी परवरिश देख कर मुझे मुझे नहीं लगता है आपके मां बाप ये सिखाते हैं अब पता नहीं फिर कहाँ से सीख कर आते हो और जो सीख कर आते हो जब आप बोलते हैं ना बेटा योर होल मैनरिज्म दे ऑल कम आउट एजुकेटेड होना या फिर पढ़ाई लिखाई करना या डॉक्टर बनना सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है आप किताब रटने या एग्जाम क्लियर करने नहीं आ रहे हो आप सीखने आ रहे हो अच्छा इंसान बनने आ रहे हो इस तरीके से बेटा आप अच्छा इंसान नहीं बन रहे हैं आप तो मतलब अगर डॉक्टर बन भी गए आई से रियली बैड डॉक्टर यू वुड बिकम है ना चलिए एनीवे anyway, आ जाइए इधर तो हमने बात कर है बॉडी इज कवर्ड बाय अ अलकेरियस शेल जैसा कि मैंने बताया एक्सेप्शन होंगी

ठीक है जी यस चलिए आ जाइए अब आते हैं इनकी रेस्पिरेशन रिप्रोडक्शन पे रिप्रोडक्शन की बात करो तो यार ये भी डायोशियस है बिल्कुल अपने उसके तरह कॉकरोच की तरह डायोशियस है वो भी पहले से अंडे देते हैं एंड बेटा जी कैसी डेवलपमेंट शो करते हैं इन डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि इनकी डेवलपमेंट में लार्वा मौजूद है और डिटेल में जाएंगे तो यार फाइलम मॉलस्का किंगडम फाइलम क्लास दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं सिफेलोपोड मॉलस्क एंड नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क एक आता है सिफेलोपोड और एक आता है नॉन सिफेलोपॉड यस एक एडवांस्ड है और एक बेटा जी थोड़ा प्रिमेटिव है अंतर मेनली क्या अंतर है वैसे तो बहुत सारे डिफरेंसेस है मेन अंतर इज सर्कुलेटरी सिस्टम ये जो नॉन सिफेलोपोड मॉलस्क है इसके पास तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लेकिन सिफेलोपॉड मॉलस के पास कैसा होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है याद रखना है ये एक्सेप्शन है ओवरऑल मोलस्का हैज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बट देयर इज एन एक्सेप्शन दैट इज सिफेलोपॉड मोलस जिसमें हमारा ऑक्टोपस भी आता है ठीक है जी यस yes. याद रहेगा <coughs> याद रहेगा ओके okay. बहुत बढ़िया है आगे बढ़ते हैं हम इकाइनो डर्मेटा आ जाओ इकाइनो इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी डर्मा, डर्मेटोलॉजिस्ट, कौन से डॉक्टर होते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट? स्किन वाले स्पाइनी एनिमल्स, दे आर कौन से हैं स्पाइनी स्किन एनिमल्स ओके जी इकाइनोडर्म्स अब इनके पास सबसे बड़ी बात क्या है सबसे बड़ी बात यह है कि आर दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन जिस पे सवाल आता है एक्सक्लू सिवली मरीन यस और आप एक फाइलम पढ़ चुके हैं कल जो कि एक्सक्लूसिवली मरीन था बताना <coughs> कल पढ़ चुके हैं यस yes. कल पढ़ चुके <coughs> जी मैं देख रही हूं एनरोलमेंट एनरोलमेंट अभी हुई नहीं ब्यूटीफुल माइंड मैप्स के लिए ये वाले माइंड मैप्स है बेटा इस पर ही आज अमेजिंग माइंड मैप्स वन ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट इतने ब्यूटीफुल और इतने डिस्क्रिप्टिव आपको कहीं नहीं मिलेंगे लेकिन अभी एनरोलमेंट दिख दिख नहीं रहा है मुझे जब दिख जाएगा तो मैं आपको बता दूंगी है ना तब ये क्लास चालू होगी जब यहाँ के सारे बच्चे एनरोल करेंगे हाँ जी वेरी गुड वेरी गुड एक्सक्लूसिवली मरीन हमने एक फाइलम पढ़ा था जिसका नाम है टीनो फोरा तो यार ये भी क्या है आपके एक्सक्लूसिवली मरीन फाइलम है दूसरी चीज बेटा जी इनके पास एंडोस्केलेटन है पहले हमने एक्सो की बात की थी यहाँ पर एंडोस्केलेटन किसका कैलकेरियस ऑसिकल्स कैलकेरियस तभी तो स्पाइन दिखते हैं कैलकेरियस ऑसिकल्स इनके एंडोस्केलेटन में क्या है कैलकेरियस ऑसिकल्स जिसकी वजह से आपको ऐसा लगता है स्किन में से ना कांटे से निकल रहे हैं जैसे जो कैल्शियम के ऑसिकल्स है वो स्किन में से निकलते हैं तो ऐसा लगता है स्किन के ऊपर कांटे कांटे हैं दैट इज That is, बेटा जी, animals. मैंने, जैसे मैंने आपको बताया था मैंने जेलीफिश सामने से देखी थी और बेटा जी मैंने टच किया था इसको मैं आपको दिखाती हूँ अपनी फोटो दिखाती हूँ ठीक है मैंने टच किया था वहां पर जेलीफे इसको स्टार फिश जो कि इसको बिलोंग करती है एंड होलोथ्यूरिया जो कि इसको बिलोंग करते हैं सीक कम्बर शुड आई शो यू दिखाऊ बेटा आपको अभी दिखाती हूँ आई गॉट अ चांस टू टच दम वेरी ब्यूटिफुल अब मेरे को लग रहा है वीडियो तो नहीं चलेगी इसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ मैं ओके okay, वीडियो नहीं चलेगी आपने पता नहीं मेरे इंस्टाग्राम पे मैंने वीडियो डाला था आपने देखा है नहीं देखा है यस व्हेन आई वेंट देर देखा था लेट मी ब्रिंग हेयर हां जी दिख रहा है यस इसको कर लेते हैं हम जूम कैन यू सी दिस इज स्टार फिश ये इसके बॉडी पे बेटा आपको स्पाइंस दिख रहे ये मेरा ये हाथ है ये पानी में था एंड पानी में दे और अलाउइंग जस्ट टू टच इट ठीक है ये देखो दिस इज स्टार फिश एंड बीज आर द स्पाइन दैट यू सी ऑन देयर स्किन आप जब इसको टच करते हो ना आपको स्पाइन फील होंगे ये आपको दिख रहे हैं दीज आर नथिंग बट द ऑसिकल्स जो कि स्किन में से उभर के आ रहे हैं बीच में से निकल रहे हैं है ना यस कैन यू सी ये देखिए टच करने का इन्होंने मौका भी दिया था हमें ये भी स्टार फिश है ये भी स्टार फिश है ये सब बेटा जी बहुत लेथार्जिक मैं मैं हमेशा बोलती हूँ यार तुम लोग ना बिल्कुल स्टारफिश की तरह हो क्यों क्योंकि स्टारफिश बड़ी लेथार्जिक होती है नीचे जम के बैठी रह और बहुत धीरे 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 मूव करते है ठीक है है जी, yes. होता अंदर का, endo मतलब inside, exo मतलब बाहर। हमारा क्या क्या है, skin. अंदर क्या है bones. अंदर हमारे पास, से कैल्केरियस ऑसिकल्स निकल रहे हैं इसीलिए बाहर से ऐसा प्रतीत होता है जैसे कांटे 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 हैं तो इसीलिए इनकी स्किन में बोलते हैं स्पाइन है तो स्पाइनी स्किन एनिमल्स हैं ओके जी दिग्ञा चलिए तो आई वेंट टू तो सिंगापुर वहां पर सी एक्वेरियम था वहां पर बेटा जी उन्होंने हमें सारी चीजें दिखाई थी सारे फाइलम्स ऑलमोस्ट मैंने देख लिए थे सामने से लाइव ऑलमोस्ट सारे फाइलम्स देख लिए थे ठीक है जी यस चलो तो एंडोस्केलेटन की बेटा हमने बात कर ली है इकाइनोडर्म एक सामने से देख भी लिया तो जब भी इकाइनोडर्म आए तो याद करना किसकी बात कर रहे हैं हम लोग हम लोग बात कर रहे हैं स्टारफिश वाले की ठीक है एक्सक्लूसिवली मरीन है दूसरी चीज बेटा जी आपको पैरासिटिक नहीं मिलेंगे दे आर फ्री लिविंग

इनके पास बेटा जी रेडियल सिमेट्री है ये याद रखना है ये एक एक्सेप्शन पॉइंट है 2023 में इस पे सवाल भी आया था टू इसी साल के पेपर में इस डब्बे में से सवाल आ चुका है ठीक है जी क्योंकि एक्सेप्शन है ना एक्सेप्शन को तो और अच्छे फोकस से हम लोग याद करेंगे नेक्स्ट चीज आती है बेटा जी अबाउट देअर जर्मलियर्स तीन जर्मलियर्स होंगी ऑर्गन सिस्टम लेवल होगा ठीक है दे आर ट्रिप्लो ऑर्गन सिस्टम लेवल चलेगा ऑर्गन सिस्टम लेवल चलेगा क्या इसमें सेगमेंटेशन रखू सेगमेंटेशन तो किस में है ए ए सी ये ए सी में आ रहा है नहीं आ रहा दीज आर अनसेगमेंटेड एनिमल्स और दिख भी नहीं रहा यार कहीं दिख रहा तुम्हें सेगमेंटेशन कहीं भी नहीं दिख रहा है ना द बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इन एनी पार्ट इट इज अनसेगमेंटेड साथ ही में बॉडी थोड़ी ना फूल की तरह पेंटामेरस टाइप ऑफ बॉडी है देख रहे हो इसको देखो यस yes, इसको देखिए ये देखो पेंटामेरस पांच जैसे आर्म्स निकल रही होती हैं पांच आर्म्स वाली बॉडी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं दिस टाइप ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज पेंटामेरस एंड द सिमेट्री इज पेंटामेरस सिमेट्री पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री है ठीक है क्योंकि बॉडी के पार्ट्स पांच एक्सिस पे प्रेजेंट है देख रहे हो एक दो तीन चार पांच पांच एक्सिस पे प्रेजेंट है बॉडी की शेप जरूरी नहीं है बेटा स्टार लाइक यो जैसे ये तो एग्जांपल है स्टारफिश का स्टारफिश की स्टार, स्टार लाइक शेप है बट देर आर मेनी जिनकी शेप ऐसी नहीं है जैसे एक इकाइनस है वो गोल स्फीयर जैसी शेप है एक होलो है सी क्यूकम्बर जिसकी खीरे की जैसी शेप है लंबाई में है आ, सिलेंडर लाइक है तो इट इज नॉट नेसेसरी कि जरूरी ही सिलेंड्रिकल हो वो बेटा जी आ, वैसा भी मेरे पास होलो का भी फोटो है जो आपका सी क्यूकम्बर है सिलेंड्रिकल लेट मी शो यू यस इसका मैं स्क्रीन लेती हूँ रुकी हाँ दिखाऊ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब इसका फोटो आ, जब इस पे क्वेश्चन आए तो यार हम्म लेट मी पोटेट हेयर इसको इधर रख देते हैं और ओहो इसको इधर रहने दो यहाँ पे डाल देते हैं ये देखिए कैन यू सी दिस सिलेंड्रिकल वन ये देखो हाँ जी मेरे बच्चों यस yes. बेटा कितनी बारी बताएंगे प्रतिभा अभी तक यही नहीं क्लियर हुआ है कल की टेस्ट सीरीज में क्या आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूं वही आ रहा है लिविंग वर्ल्ड फ्रॉग एनिमल किंगडम ये तीन चीजें आ रही हैं यस yes. तो ये सिलेंड्रिकल भी है शेडो नहीं है बेटा जी ये शेडो की तरह है हाँ यस yes. शेडो की तरह है. है ना यस yes. सो दिस इज हाउ दे लुक दे हैव वराइट एंड दे हैव वी ऑफ अपियरेंसेज जो हम यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टार लाइक -like देखा एक इकाइनेस है जो गोले की तरह है एक बेटा जी ये है जो सिलेंड्रिकल भी है सिलेंड्रिकल भी है ओके okay. <laughs> चलो आ जाओ नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा जी इसके पास जैसे हमने किया था एक वॉटर कैनोल सिस्टम था किसके पास था पॉरीफेरा के पास इसका यूनिक फीचर क्या है इसका यूनिक फीचर है प्रेजेंस ऑफ वॉटर वैस्क्यूलर सिस्टम क्या है वॉटर वास्कुलर सिस्टम ध्यान देना है केनॉल सिस्टम पॉरीफेरा का है और वाटर वास्कुलर सिस्टम जिसको हम सिस्टम बोलते हैं ये बेटा जी किसका यूनिक फीचर है इकाइनोडर्म का यूनिक फीचर है किस लिए काम आता है बेटा जी अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको पहले लिख लो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकोमोशन जो धीरे 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 बेटा चलते रहते हैं खाना खाने के लिए कैप्चर ऑफ फूड एंड बेटा जी रेस्पिरेशन के लिए हम लोग इस वाटर कैनॉल सिस्टम को यूज करते हैं बेसिकली बेटा जी इट इज फॉर फ्लो ऑफ न्यूट्रिय द बॉडी एक तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम है इनका ठीक है इसके पास ट्यूब फिट होते हैं जो पानी को बेटा जी इस पे सकर लगे होते हैं एंड अल्टीमेटली पानी रेडियल कैनॉल के लॉन्गिट्यूडनल केनॉल स्पोक्स के थ्रू निकल कर मूवमेंट में मदद करता है पहले हम पूरा बनवाते होते थे यार इस तरीके का है ना इस तरीके का बेटा जी बनाया जाता था सिस्टम एंड ऑल बट आपको बस नाम याद रखना है जी <laughs> अब क्या इसके पास ब्लड वास्कुलर सिस्टम है नहीं ब्लड वास्कुलर सिस्टम की जगह इसके पास हेमल एंड पेरीमल सिस्टम है पेरी हेमल सिस्टम है जो कि इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का काम करता है सिस्टम का काम करता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है ठीक है ओपन है Closed नहीं है। close सिर्फ एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो अलग से बेटा जी इसमें नहीं होते हैं इस पे भी आपको टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन मिल जाते हैं ओके चलो अब देख लेते हैं यहां पर आ जाओ इकाइनो सबसे पहला इसके एंडोस्केलेटन में हैं, जो स्किन में से बाहर निकल के आते हैं तभीन है, है, है. है इनके एडल बाइलेटरल है ट्रिप्लो है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑब्वियसली अब कंप्लीट होगा माउथ भी होगा और एनस भी होगा अब ध्यान दो ध्यान दो बेटा जी इसने बोला है माउथ इज ऑन द लोअर साइड एनस इज ऑन द अपर साइड ये रही मेरी स्टारफिश कहा गया हम्म क्या कह रहे हैं माउथ इज ऑन द नीचे वाला साइड एनस इज ऑन द ऊपर वाला साइड मतलब ये जो मुझे स्टार फिश दिखाई दे रही है इसमें माउथ बेटा जी नीचे की साइड पे है ओरल सरफेस ऊपर की साइड पर आपका एनस है क्योंकि डोर्सल साइड ये ऊपर की और नीचे जो उसकी टच कर रही है साइड ये वाली कौन सी है तो ध्यान so, देना है mouth का नीचे है okay? yes. Next आता है का नीचे आता इनका distinctive feature, that is water vascular system, जो कि तीन काम में में मदद करता है. चलने में, food को कैप्चर करने में फूड को ट्रांसपोर्ट करने में भी क्योंकि ब्लड वास्कुलर सिस्टम का भी एक तरीके से काम कर रहा है एंड रेस्पिरेशन कौन सा सिस्टम इनमें नहीं है एक्सक्रेटरी सिस्टम इनमें नहीं है अब आती है रिप्रोडक्शन की बात सेक्सिस अलग है यानी कि डायोशन है सेक्शुअल है पानी में बाहर फर्टिलाइजेशन होगी और इनडायरेक्ट लार्व इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है वो तो समझ ही आ गई क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं कि इसके लार्वा के पास बायोलेटरल सिमेट्री तो लार्वा है ना तभी बायोलेटरल सिमेट्री है तो यार इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई एग्जाम्पल एस्टेरिया स्टारफिश इकाइनस सी अर्चिन एंटीडोन सी लिली क्यूकुमेरिया ब्रिटल स्टार फिश वाले और सी वाले पेज बन बन गया आपका क्या आपने पेज बनाना शुरू कर दिया मैंने बोला था स्टार्टिंग से ही एक पेज फिश का बनाओ फिश वाले नाम का और एक सी वाले नाम का जैसे जेली फिश स्टार फिश सिल्वर फिश कटल फिश कटल फिश में आती है मैं लिख देती हूँ एग्जाम्पल में ठीक है ये हमने एग्जाम्पल पढ़नी रह गई यार ये रहा लिखा हुआ है कटल फिश ठीक है डेविल फिश ऑक्टोपस है डेंटेलियम ये सारे एग्जाम्पल देखो पिंक टाडा पिंक ऑयस्टर सिल्वर फिश ऑर्थ्रोबोडा में आती है फिश और सी वाले का एक अलग पेज बनाओगे तभी उसको याद रख पाओगे नहीं तो फिर कंफ्यूजिंग है हर एक में फिश घुसी हुई है यार अब कौन सी फिश असली फिश है असली फिश तो अभी आई नहीं है असली फिश तो आई ही नहीं है ठीक है नेक्स्ट टाइम आपको भी ले चलेंगे बिल्कुल सही यस yes, मेरे साथ चलना बेटा जी सिंगापोर <coughs> हां जी बेटा देर आर मेनी मॉलस जिनके पास शेल नहीं है मिस्टर यूनाइट द गेमर ठीक है अकेला ऑक्टोपस नहीं है और बहुत हैं एक्सेप्शन आर एवरीवेयर हाँ जी आ जाओ यार अगले वाले पे जिसका नाम है हेमी कॉर्डेटा हेमी का क्या मतलब होता है आधा कॉर्डेटा पहले बेटा जी इसको uh, कॉर्डेट में डाल दिया था गलती से बट फिर रियलाइज हुआ यार नहीं ये तो कॉर्डेट नहीं है इसको बाहर निकालो तो फिर इसको यहां पर अलग फाइलम बना दिए जिसका नाम है हेमी कॉर्डेटा हाफ कॉर्डेट्स बोला जाता था बट है नहीं क्या है खास बात इसकी जैसे डेटा की खास बात है नोटोकॉड इसके पास नोटोकॉड की जगह क्या प्रेजेंट है इसके जितने एनिमल्स हैं वो कीड़े की तरह हैं वर्म लाइक एनिमल्स वर्म लाइक एनिमल्स ये भी क्या है एक्सक्लूसिवली मरीन है वेरी इंपॉर्टेंट तीन हो चुके हैं बेटा आगे और भी आएगा एक्सक्लूसिवली मरीन तीनोफोरा इकाइनो एंड हेमिकॉडेटा इसके पास भी क्या है लैटरल सिमिट्री है ठीक है जी ट्रिपलो हैं, ट्रिपलो हैं और बेटा जी सेगमेंटेशन तो ए में होती है अनसेगमेंटेड है सिलोम है हाँ है सिलोमेट्स सिलोमेट्स हैं। बॉडी की फॉर्म देखोगे तो मैंने बोला वर्म लाइक एनिमल्स कीड़े की तरह दिख रहा है ये देखो वर्म लाइक एनिमल्स जिसमें आप तीन हिस्से देख रहे हो प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक ये जो प्रोबोसिस है ना

बट like अब इसको सेपरेट फाइलम बना दिया गया है दे हैव रिडियो एंट्री स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोमो कोड ये स्ट्रोमो कोड कहा मिलेगी इस जगह पर दिस इज द्लेस बेटा जी यहां पर दिस इज द प्लेस ऑफ स्टोमोकॉड दिया हुआ है कॉलर रीजन में मिलती है ठीक है जी नोटोकॉड की तरह है है नहीं अगर ही होती तो बेटा कॉर्डेटा में ना डाल देते है ना चलो इसमें क्या है वर्म लाइक एनिमल्स हैं ऑर्गन सिस्टम है ये सब हमें पता है ट्रंक है फर्टिलाइजेशन पानी में होगी एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट एग्जांपल में से हंड्रेड परसेंट सवाल आता है दैट इज बलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसिस गाड़ी का नाम है ना मारुति की बलैनो तो ये एंड ग्लॉसस ठीक है, बलेनो ग्लोस एंड सैको ग्लोस विद डन क्यूब एम ई एच एच तक हो गया बेटा अब मुझे करना है सी छोटा सा सी एक फाइलम रह गया हमारा फाइलम है हमारा खुद का फाइलम है दैट इज कॉ डेटा क्या लगता है आज करेंगे of course, आज करेंगे जब हमने चैलेंज ठान लिया है तो यार आज ही होता है जिस दिन का हमारा वो है क्या कह रहे हैं कमिटेड है उसी दिन में होता है ठीक है जी यस yes, कॉडेटा हम आज ही शुरू करेंगे और अभी छोटा है एक्चुअली उसमें कुछ ज्यादा कहानी है नहीं अपने बारे में बात करनी है एम्फीबिया क्या होते हैं रेप्टिलिया क्या होते हैं एब्स क्या होते हैं मैमल क्या होते हैं कर लेंगे घबराता कौन है घबराने वाले तो नहीं हो ना तुम सेशन को लाइक भी नहीं किया दिख रहा मुझे तुम्हारा अटेंटिवनेस मैंने बोला था मैं चाहती हूँ इस सीरीज के बाद मेरे को बच्चों के नाम याद हो जाए नाम मुझे याद होते कमेंट पढ़ के चैट पढ़ के नहीं होते हैं कमेंट आप करते नहीं है कल वाले वीडियो में देख रही थी देर वर नो कमेंट्स है ना किसी ने अपनी अटेंडेंस वाल लगाई नहीं है तो जब तक नाम नहीं याद होंगे कैसे मिलेंगे किसको लेके जाऊंगी सिंगापुर बताओ नाम ही नहीं याद है ये जो चार पांच नाम मुझे याद है उन्हीं को लेके जाऊंगी जो बच्चे कॉमेंट करेंगे हाउ टू एनरोल इन द्लास मिस्टर विराट क्लिक ऑन दिस क्लास एंड वहां पर एनरोल का बटन आ जाएगा दिस इज हाउ यू एनरोन द्लास एंड देन आ जाइए बेटा अगला चैप्टर अगला यूनिट धमाकेदार होने वाला है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ परसों ऐसा आज तक नहीं हुआ है किसी ने नहीं कराया है एंड उस एफिशियंसी से नहीं कराया है अगर कराया है। नाम दे देते हैं लेकिन कराते नहीं है ऐसा सीट मैम ने कराया हुआ है पिछले दो साल में एक बारी लेकिन अब तरीके से होने वाला है जस्ट स्टे ट्यून्ड विद मी फॉलो मी एवरीवेयर सीप पाहजा नाम से आप मुझे हर जगह फॉलो करिए टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे एंड वहां पर मैं ये अनाउंसमेंट करूंगी क्लास यहीं पर होगी हांजी ओके चलो शुरू करते हैं बेटा कॉडेटा को शुरू करके समाप्त करते हैं कॉडेटा को पीसी स्क्वायर पीए क्यूब एम ई एच तक डन अब हम एम ई एच से आगे सी पे आ गए हैं ठीक है पे आ गए हैं बेटा सेशन को लाइक कर दो अटेंडेंस लगाओ अपनी बेटा जी एक ऐसा फाइलम है जो कि मोस्ट एडवांस्ड है दूसरी चीज बेटा जी उसमें चार फंडामेंटल फीचर्स हैं फोर फीचर्स इन एवरी कॉडेड दैट यू विल सी फोर फीचर्स इन एवरी कॉडेड दैट यू आर गोइंग टू सी ठीक है जी

और इसी नोटोकॉड के ऊपर आपको क्या मिलता है आपको क्या मिलता है नर्व कॉड वन द होलो स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड एज द सेकेंड पार्ट सेकेंड फंडामेंटल फीचर जिसको बोलते हैं नर्व कॉड ये सबसे डोर्सल है देखो समझते हो ना ये वाला पोर्शन डोर्सल होगा ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन क्या होगा वेंट्रिकल हो, वेंट्रल होगा ये इसकी मैंने एलिमेंट्री केनॉल बनाई है ठीक है एलिमेंट्री के में ओपनिंग भी है यहां पे ध्यान दो यहाँ से एंट्री माउथ से एनस से एक्ट और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज द दोस्ट एनल पोस्ट एनल टेल, टेल। ठीक है जी ये भी इसका एक फंडामेंटल फीचर है अभी तक मैंने कितने फंडामेंटल फीचर बताए एक आपको बताया बेटा जी नोटोकॉर्ड दूसरा मैंने आपको क्या बताया नर्व कॉर्ड तीसरा मैंने आपको क्या बताया पोस्ट एनल टेल और क्या प्रेजेंट है बेटा जी इसके पास और प्रेजेंट है फेरेंजियल गिल्सलेट्स यस और क्या प्रेजेंट है और प्रेजेंट है बेटा जी फेरेंजियल गिल्सलेट्स मतलब ये चार चीजें हर कॉर्डेट में किसी ना किसी समय जिंदगी के प्रस्तुत होंगी हम भी कॉर्डेट हैं बेटा हमारे भी एक समय पर एम्ब्रियोनिक केज में ये चारों चीजें प्रेजेंट थी अब नहीं है अब ये रिप्लेस हो गई है, वो अलग बात है लेकिन तब थी तो four things कौन सी? ठीक है? है, ये nerve cord सबसे ज़्यादा है। तो इसको बोलेंगे कॉर्ड अब जरा ध्यान देना ध्यान देना। नोटोकॉर्ड भी देखो तो डॉर्सल ही है। nerve cord भी देखो तो डोरसल ही है। लेकिन अगर तुम नोटोकॉर्ड को विद रिस्पेक्ट टू नर्व कॉर्ड देखोगे तो वेंट्रल है yes अगर तुम नोटोकॉर्ड को विद रिस्पेक्ट टू नर्व कॉर्ड देखोगे तो यार वेंट्रल है अदरवाइज देखोगे तो सब dorsal है दोनों क्या हैं dorsal है इसी नर्व कॉर्ड ने अल्टीमेटली आपका नर्वस सिस्टम दैट इज ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड बनाना है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड बनाना है तो चार फंडामेंटल फीचर्स होंगे हर कॉरडेट के पास फेरेंजियल गिल्स, स्लिट्स पोस्ट टेल बैलेंसिंग के लिए सॉलिड नोटोकॉर्ड एंड हॉलो

यहाँ से पता चला सी यानी कि ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल है हाँ डॉर्सल है हॉलो है हाँ हॉलो है सिंगल है सिंगल है ना एक ही तो नर्व कॉर्ड बनाई है मैंने दो थोड़ा बनाई है एक ही बनाई है ना तो यार बिल्कुल सही बात है जबकि नॉन कॉर्डेट्स का उल्टा डॉर्सल का उल्टा वेंट्रल हॉलो का उल्टा सॉलिड सिंगल का उल्टा डबल सारा उल्टा करते हैं ठीक है उल्टा कर देना पेरिंग्स में बेटा जी गिल्स स्लेट्स हैं गिल्स स्लेट्स यहां पर एब्सेंट है हार्ट हम पे लेना बेटा हार्ट कैसा है वेंट्रल यहाँ पे है हार्ट इनका हार्ट अगर होगा तो डोर्सल होगा पोस्ट चैनल टेल कॉर्डेट्स में होती है नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती है यस <coughs> टेबल क्लियर चलिए अब इसका क्लासिफिकेशन मैं कर देती हूं कॉर्डेट्स का जरा यहां पे फोकस करना इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं छोड़िए लेट मी राइट इट हेयर तो मेरे पास फाइलम क्या है कॉर डेटा बस मैं आपको क्लासिफिकेशन दिखा रही हूं बाकी तो बेटा जी वहीं से हमें रीड करना है कॉर डेटा इज द नेम ऑफ फाइलम इस फाइलम में क्या आएंगे दो सब ग्रुप इस फाइलम में बेटा जी क्या आ जाएंगे दो सब ग्रुप याद रखना है ये सब ग्रुप्स हैं कौन कौन से सब ग्रुप आएंगे पहला सब ग्रुप आएगा ए क्रेनिएटा ए क्रेनिएटा क्रेनिएटा जिसको हम प्रोटोकॉडेट्स भी बोलते हैं मतलब पुरातन प्रोटोकॉडेट्स पुराने वाले कॉडेट्स और बेटा जी कौन सा आ जाएगा सेकेंड ग्रुप इज गोइंग टू बी क्रेनिएटा ये एडवांस कॉर्डेट्स है जिनको यू कॉडेटा भी बोला जाता है यू कॉडेट्स ठीक है तो फाइलम कॉडेटा को हमने दो सब ग्रुप में डिवाइड कर लिया प्रोटोकॉर्डेट्स एंड यू कॉडेट्स अब ये बेटा जी ये जो सब ग्रुप है इसमें आगे सब फाइलम है समझ रहे हो इस सब सब ग्रुप में आगे सब फाइलम है क्वेश्चन बेटा जी जरूरी नहीं है पूछा जाए कि प्रोटो और यू पे ये पूछा जाएगा प्रोटो और यू क्या है क्या ये फाइलम है क्या ये सब ग्रुप है क्या है सब फाइलम है ऐसा सवाल भी आ सकता है तो यार दो सब फाइलम है यहाँ पर मेरे पास कौन से यूरोकॉर्ड डेटा यूरो का मतलब कल मैंने स्पेशल क्लास में बताया था देखते हैं किसको याद है सेकंड वन इज कॉल्ड एज सिफेलोकॉर्ड डेटा यूरोकॉर्ड डेटा एंड सिफेलोकॉर्ड डेटा कल यूरो का मतलब बताया था अब पता नहीं कौन लगाता है स्पेशल क्लास कौन नहीं लगाता है बहुत बातें मैं वहां भी बताती हूँ तो आपका अधूरा रह जाएगा अकेला youtube देख के निकल जाओगे अधूरा रह जाएगा हां जी चलिए क्रैनिएटा में बेटा जी यहां पर भी सब फाइल में यहां पर सब फाइलम है वर्टिब्रेटा क्या मतलब बताया था वेरी गुड दैट इज टेल बिल्कुल सही बता रहे हैं सब बच्चे यस दैट इज कॉल्ड एज टेल हां जी तो कॉडेटा के अंदर दो सब ग्रुप प्रोटोकॉडेट्स यूकॉर्डेट्स प्रोटोकॉडेट्स पुराने वाले होंगे ये दोनों पुराने वाले हैं ये नया वाला है हम नए वाले में आते हैं हम वर्टिब्रेटा में आते हैं वर्टिब्रेटा बाद में करेंगे पहले प्रोटोकॉर्डेट्स हम कर लेते हैं दैट इज प्रोटोकॉर्डेट्स में सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलो

एक्सक्लूसिवली मरीन सिर्फ और सिर्फ कहां पाए जाते हैं समुद्र में पाए जाते हैं कॉर्डेटा का नाम यूरो इसीलिए है क्योंकि नोटोकॉड इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है नोटोकॉड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल तभी इसका नाम यूरो है यूरो टेल से है क्योंकि इसकी नोटोकॉड इन टेल ऑफ लार्वा जबकि सिफेलो वर्ड क्यों होता है सेफेलाइजेशन में हेड नोटोकॉड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल नोटोकॉड बेटा जी एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल याद रहेगा हेड से लेकर टेल तक नोटोकॉड है और वहां पर सिर्फ टेल ऑफ लार्वा में प्रेजेंट है ठीक है जी चलो अब आ गया एग्जांपल ऑफ यूरोकॉड एसिडिया सैल्पा डोलियोलम मैं बड़े अच्छे तरीके से बेटा जी एग्जाम्पल बताती हूँ यहाँ समझो एग्जाम्पल ऑफ यूरोडेटा है डैश हाँ सच में तुम कह रहे हो क्या डैश डी ए एस एच डैश ये ये यूरोकॉडेटा के एग्जाम्पल है जैसे डैश चार्जर नहीं होता डैश वॉट इज दिस डी डिनोट फॉर डोलियोलम डोलियोलम ठीक है जी ए फॉर एसिडिया एस फॉर सेल्पा एच फॉर हर्डमेनिया ठीक है तो यूरो का एग्जाम्पल क्या है डैश डोलियोलम एसिडिया से आप एस से सी भी कर सकते हो सी स्कोट सारे यही होते हैं एंड बेटा जी हर्डमेनिया ठीक है जी हर्डमेनिया <coughs> ओके डैश डोलियोलम इन्होंने कौन से दिया है इन्होंने दिया है एसिडिया सेल्पा डोलियोलम मैंने हर्डमेनिया भी ऐड किया मैंने हर्डमेनिया भी ऐड कर दिया है दूसरी खास बात बेटा जी यूरो के बारे में मैं बताना चाहूंगी इनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है लिख दू? लिख दू? यूरो के बारे में हाँ जी यूरो के बारे में एक्स्ट्रा बातें मैं यहां लिख रही हूँ एक तो है कि यार नोटोकॉर्ड इन टेल ऑफ लार्वा दूसरा बेटा जी ओपन सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एक्सक्लूसिवली मरीन तो लिखा ही हुआ है ठीक है दूसरी चीज बेटा जी लार्वा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तीसरा बेटा जी शो करते हैं रेट्रोग्रेसिव यस वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब होता है लार्वा टू रेट्रोग्रेसिव मतलब नॉट प्रोग्रेसिव मतलब लार्वा ज्यादा एडवांस एडल्ट से समझ हो यहां पर लार्वा एडल्ट से ज्यादा एडवांस्ड है दिस इज

विदाउट हार्ट ठीक है जी अरे यार क्या हो गया इतना सब लिखा था हाँ <coughs> हाँ <coughs> बेटा जी क्या लगता है सब गायब हो गया है या बचा है मुझे लग रहा है सब गायब हो गए नहीं, नहीं है इस पे मुझे लिखना चाहिए यार गड़बड़ कर रहा है ये है ना बहुत ध्यान से लिखना पड़ता है यार गड़बड़ कर रहा है ये चलो एनीवे anyway, यस yes. एक पॉइंट और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है दैट इज एक्सक्रीशन जो इसका एक्सक्रीशन है ना बेटा जी वो होता है प्रोटोनेफ्रिडिया से फ्रीडिया ये और कुछ नहीं है कल लिखवाया था विद सोलेनोसाइट्स इनके पास सोलेनोसाइट्स होते हैं और सोलेनोसाइट तो फ्लेम सेल है सोलेनोसाइट तो फ्लेम सेल है तो फ्लेम सेल दो जगह हम पढ़ते हैं एक तो प्लेटी हेलमिनथीज में दूसरा सिफेलो कॉर्डेट में ठीक है जी प्लेटी हेलमिंथीज में और सिफेलो कॉर्डेट में सिफेलो कॉर्डेट की एग्जांपल बस ये याद रखनी है जो एनसीईआरटी दे रही है ब्रेंक्योस्ट्रोमा एम्फक्स और लेंसलेट दूसरा यूरोडेटा का ही दूसरा नाम क्या है ट्यूनिकेटा

<coughs> जी हो गया प्रोटो अब हम चलेंगे वर्टिब्रेटा पे किस पे चलेंगे वर्टिब्रेटा वर्टिब्रेटा की एक अपनी क्लासिफिकेशन है क्या वर्टिब्रेटा फाइलम है? क्या वर्टिब्रेटा फाइलम है बताना जरा क्या वर्टिब्रेटा एक फाइलम है नहीं फाइलम कौन डेटा था वर्टिब्रेटा एक सब फाइलम है ये लिखा और मैंने आपको यहां भी तो लिखवाया ये वटिब्रेटा इज अ सब फाइलम इट इज नॉट फाइलम आ जाओ तो वटिब्रेटा बेटा की बेटा जी जो कि एक सब फाइलम है सब फाइलम है इसमें आगे डिविजन आ जाएंगी

डिजन है इसमें डायरेक्ट क्लास नहीं पहले सुपर क्लास है इज इज अ अ सुपर 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 क्लास 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 टेट्रापोडा वो है जिसमें फिन्स है तैरने के लिए असली मछली यही है ठीक है टेट्रापोडा ऐसे सुपर क्लास है जिनके हाथ पांव है हम लोग ठीक है टेट्रा मतलब चार चार हाथ पैर जैसे फ्रॉग के भी होते हैं हमारे भी हैं बर्ड्स के भी हैं आपके एक्सेप्शन भी हैं जैसे स्नेक इज एन एक्सेप्शन इसमें क्लास आ जाएंगी एम्फीबिया रेप्टिलिया एप्टिलिया एड्स मैमल तो आपको कौन फाइलम है कौन सब फाइलम है कौन ग्रुप है कौन डिविजन है याद रहेगा यस yes. वैसे तो इसमें एक और क्लास होती है बट वो एक्सटिंक्ट है यहां पर भी एक और क्लास होती और और है कॉन्ड्रिक थीज एंड प्लेकोडरमाई बट एक्सटिंक्ट है तो उसको हम छोड़ सकते हैं तो शुरू करते हैं बेटा जी एग नाथा से किससे शुरू करेंगे एगनाथा से आ जाए <laughs> आ जाओ एकथा में हमने कौन सी क्लास पढ़नी है एगनाथा एक डिवीजन है क्लास है साइक्लोस्टोम साइक्लोस्टोम सर्कुलर माउथ स्टोमा माउथ और ये सर्कुलर ठीक है जी यस yes. तो ऑल मेंबर्स आर एक्टो पैरासाइट ऑन सम फिशेस किसी ना किसी फिश पर एक्टो पैरासाइट हैं ठीक है जी तभी इनके पास सकिंग माउथ है बच्चों सीधी सी बात है एक मिनट हाँ मैंने बोला सर्कुलर सकिंग माउथ सक कर रहे हैं तो पैरासाइट होंगे ना

अब यहाँ पे ध्यान देना जो साइक्लोस्टोम्स है ना दे आर मरीन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग स्पॉनिंग मतलब अंडे देने के लिए टू फ्रेश वाटर वैसे तो ये समुद्र में रहते हैं मरीन में रहते हैं लेकिन अंडे देने के लिए स्पॉन के लिए ये लोग नदी में जाते हैं फ्रेश वाटर में जाते हैं इस मूवमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं यस yes, इसको हम लोग बोलते हैं एनाड्रोमस माइग्रेशन दिस इज कॉल्ड एज एना

और बेटा जी लार्वा मेटामोरफोसिस के बाद ओशन में वापस आ जाएगा तो तुम समझ लो मां बाप रह रहे हैं ओशन में अंडे देने के लिए गए रिवर में फ्रेश वाटर में वहां पर अंडे दिए खुद मर गए खुद गायब ये इनसे लार्वा बना लार्वा से एडल्ट बना एडल्ट वापस आ जाएगा समुद्र में दिस इज एनाड्रोमस माइग्रेशन तो एक तरीके से पेरेंट्स जब बच्चों को जन्म देने हैं पेरेंट्स आर डाइंग पेरेंट्स की डेथ हो जा रही है

स्पेशल क्लास पे भी रीड कर ले तो चल जाएगा चल जाएगा <laughs> हाँ जी सब बच्चे स्पेशल क्लास लगाते हैं ना लगाते हैं ना यस अब ये इन्वॉल्व है है रीडिंग मैं आपको मोटा मोटा बता देती हूँ सबका कि क्या क्या है ध्यान से सुनना पाइसेस एक सुपर क्लास है ये इसमें से बताती हूँ इसके मैं फीचर्स बेटा जी वहां पर मैं वर्बली अभी बोल रही हूँ लिखित मैं वहां पर आपको दिखा दूंगी चलेगा चल जाना चाहिए बेटा खुद भी कुछ करोगे सब कुछ ऐसे ले लोगे खुद कुछ करोगे कि नहीं बता के जा रही हूँ अंडरलाइन में वहां करूंगी बता मैं अभी रही हूँ अब इधर ध्यान दो एक एक करके सुन लो बस अगला पांच मिनट सिर्फ मुझे सुनेंगे मैंने बोला गैसैटो एक डिविजन है इसमें सुपर क्लास है पहले सुपर क्लास स्पाइसिस पाइसिस वो है जिसके पास फिंस है दो क्लासेस आ जाएंगे कॉन्ड्रिक थीज होती है बोन भी है और कार्टिलेज भी होता है बोन है लेकिन कार्टिलेज भी होता है खास बात बेटा जी कॉन्ड्रिक थीज और ऑस्टिक थीज की क्या है खास बात यह है कि जो कॉन्ड्रिक है उसमें शार्क्स आ जाती है मेनली क्या आ जाती है शार्क्स आ जाती है ठीक है मरीन होती है प्रॉपरली मरीन होती है एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है और बेटा जी इनका माउथ ऐसा होता है वेंट्रल माउथ हेट्रोसर्कल फिंस कैन यू सी ये नीचे की दिशा में माउथ है और अनइक्वल विंग्स होते हैं अनइक्वल बताते हो एक बड़ा होता है एक छोटा होता है ठीक है ऐसे तरीके का तो दिस इज वेंट्रल माउथ ये सब लिखा हुआ है ऑलरेडी अगर मैं इधर बात करूंगी टर्मिनल माउथ होता है और बराबर के होमोसर्कल कॉडल फिंस होते हैं ठीक है जी यस yes. इसके पास स्केल्स कौन से होते, इसके पास होते हैं साइक्लॉइड और टेनोइड ठीक है जी कुछ के पास स्के इलेक्ट्रिक ऑर्गन है इंपॉर्टेंट टोर्पीडो स्टिंग रेज है बेटा जी यहाँ पर जिनके पास स्टिंग होता है दैट इज ट्राइबॉन क्वेश्चन आएगा कल बता के जा रही हूं ठीक है बता के जा रही हूं ये देखो आ जाओ इंपॉर्टेंट चीज है लेटमी हाईलाइट आप स्ट्रीमलाइन बॉडी कार्टिलेज का एंडोस्केलेटन माउथ कैसा है वेंट्रल दिखाया मैंने नोटोकॉर्ड पूरी जिंदगी भर साथ रहेगी गिल स्लिट्स बिना ओपरक्यूलम के ढक्कन नहीं है गिल स्लिट के ऊपर ठीक है इसको बोलते हैं विदाउट ओपरक्यूलम स्किन में कौन से हैं प्लेकोइड स्केल इनके दांत भी प्लेकोइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन है एक एक लाइन में से सवाल है बच्चों एक एक लाइन में से जॉज आर वेरी पावरफुल प्रिडेशियस होते हैं तभी इनके पास इलेक्ट्रिकल ऑर्गन करंट मारेंगे डू टू एबसेंस ऑफ एयर ब्लैडर इनके पास एयर ब्लाइडर नहीं होता इसीलिए बेटा जी हर समय ये चलते रहते चलते रहते चलते रहते रुक नहीं सकते क्योंकि एयर ब्लैडर क्या प्रोवाइड करता है बायसी और इनके पास बायसी के लिए एयर ब्लैडर नहीं है सो दे है इसमें आ जाती है हार्ट बेटा जी फिश का टू चेम्बर्ड होता है हमें पता है

मेल में मेल के पेल्विक फिन में क्लास्पर्स हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन है समझ रहे हो इंटरनल फर्टिलाइजेशन और वीवी पेरी ये कोई सोचता नहीं है हम सोचते हैं फिशेस अंडे देती हैं फिशेस अंडे देती हैं सारी फिश अंडे नहीं देती हैं कॉन्ड्रिक्थीज वीवी पेरस एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एग्जांपल डॉग फिश प्रिस्टिस सॉफ्ट फिश कार्शेरेडन इसमें आ जाती है ट्राइगोन स्टिंगरे ठीक है जी चलिए हो गई ये बोनी हैं वो सिर्फ मरीन में थी ये मरीन और फ्रेश वाटर तो जो नदियों के अंदर फिश देखते हो ना नदीज फ्रेश वाटर वो ऑस्टिक तो होती नहीं है वो तो सिर्फ समुद्र में होती है ठीक है बॉडी स्ट्रीम है माउथ टर्मिनल है बना के दिखा दिया इनके गिल्स के ऊपर ढक्कन है और है, इनके पास एयर ब्लैडर है तो ये रुक भी सकती है एक जगह पर जरूरी नहीं है इनको चलना हार्ट टू चेम्बर्ड है कोल्ड ब्लडेड सेम फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड दे आर ओवी पेरस ये अंडे देती हैं, ठीक ठीक है? है, है? है, में, में में, में और में। तीनों का अलग-अलग क्योंकि लीप इन एर, जंप मारती इसीलिए सी हॉर्स क्यों क्योंकि बेटा जी इसका जो शक्ल शकल है वो हॉर्स की तरह है अभी दिखाती हूँ फ्रेश वाटर में लेबियो कैटला क्लारियस एक्वेरियम में बेटा फाइटिंग फिश क्योंकि बड़ी अग्रेसिव होती है एंटेरोफाइलम एंजल फिश डायरेक्ट आपको मैच द फॉलोइंग आता है और ये मैच द फॉलोइंग आ भी चुका है पेपर में जिसमें एक साइड पे साइंटिफिक नेम होते हैं एक साइड पे कॉमन नेम होते हैं मैच करना है मैच करना <coughs> yes, है ठीक है जी यस चलिए अगला आता है एम्फीबिया एम्फीबिया में वही है जो फ्रॉग में पढ़ा है कुछ खास नहीं है एम्फीबिया में एम्फी मोड ऑफ लाइफ टू पेयर ऑफ लेम्स बॉडी हेड एंड रंक स्किन विदाउट मॉय स्किन एयर इज रिप्रेजेंटेड बाई टेम्पान से सारा सामान बाहर आएगा क्या ये दोबारा बताने की जरूरत है हार्ट बेटा जी थ्री चेम्बर्ड है फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, वो भी पेरस है। क्या ये बताने की जरूरत है सब फ्रॉग वाला एम्फीबिया में सब फ्रॉग वाला हाँ लेकिन हमने फ्रॉग किया था विच इज विमेंड्रा विदेल है ये विद टेल है सैलामेंडर विद टेल

हाँ जी रेप्टाइल क्या होते हैं जो क्रॉल करते हैं चिपकली स्नेक और आपका आ जाएगा टो दे क्रीपिंग मोड, टेरिस्ट्रियल भी हो सकते हैं ठीक है, है बहुत ही होती, को तो खैर तुम टच नहीं करोगे मैंने टोटोज को टच किया था यार शुड आई शो यू व्हेन आई वेंट टू श्रीलंका इट अ वॉज और टर्टल आई गेस इट वाज अ टर्टल टर्टल था वो दिखाऊं आज फोटो डे है <laughs> सोचो मैंने कब कब गई थी मैं श्रीलंका लेट मी जस्ट गो बैक गो बैक गो बैक गो बैक छह बजे की क्लास नहीं मिस करना कहीं मैंने फोटो डिलीट ना कर दी हो <laughs> अकेले उसकी फोटो है मेरी नहीं है इसके साथ आई टस्ट देम बट आई एम नॉट हेयर और एक्चुअल पानी में भी टच किया था आई शो यू रोको आई नहीं रहा यार फोटो तुम्हें दिखेगा ही नहीं चलो एनी वे मैं स्पेशल क्लास में शेयर करूंगी यहाँ पे यहाँ वाला नहीं है एनी वे बेटा जी इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती है इनके पास भी टिम्पानम होता है फोर चेंड हार्ट सिर्फ क्रोकोडाइल में है वैसे इनके पास भी एम्फीबियन की तरह थ्री चेंबर्ड हार्ट होता है दो एट्रिया एक वेंट्रिकल ये भी बेटा पोई किलोथर्मल है चिपकली दिखती है सर्दी में कहाँ है चिपकली अब नहीं है गर्मियों में निकल के आ जाएंगी सारी बाहर क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड है ठीक है स्नेक एंड लेजर्ट शेड देयर स्केल्स एज कास्ट ठीक है सेक्सिज अलग अलग होते हैं फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होती है अंडे देती है ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए पॉइजनस स्नेक कौन सा है नाजा बंगारू स्क्रेट कोबरा बंगारू स्क्रेट पाइपर ठीक है तो जाइए फिर पैरासाइट गेमर आप जाइए हाँ हाँ जाइए जाइए स्पेशल क्लास जो नहीं लगाएगा माइंड मैप नहीं मिलेंगे ये मैं बता रही हूँ ठीक है जो स्पेशल क्लास में नहीं आएगा अगली सीरीज में बंद कर दूंगी और माइंड मैप्स नहीं मिलेंगे तो अभी आपकी इच्छा है आपको क्या करना है कॉमन क्लास क्यों लगवाते हो हमारा तो फिक्स टाइम है वी वी डोंट डोंट चेंज टाइमिंग्स ठीक है फिक्स टाइमिंग्स वालों के साथ काम किया करें आप एब्स बेटा जी उड़ने वाले ठीक है जी पोजेस बीक आपको पता है फोर आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स बीक होता है स्केल्स uh, भी है इनके पास वॉकिंग स्विमिंग फॉर एंड ब्रांचेस जो हाइंड लिम्स है उनके पास स्केल होते हैं फोर के पास स्केल नहीं होते हैं स्किन बेटा जी बहुत ड्राई है लेकिन एक ग्लैंड है जिसको हम बोलते हैं यूरोपाइजियल ग्लैंड एक ग्लैंड होता है टेल के पास यूरोपाइजियल ग्लैंड ठीक है जी वो क्यों प्रेजेंट है क्योंकि जब फेदर्स बारी बारी टच करेंगे तो लिब्रिगेशन होना जरूरी है इनकी जो बेटा सारी बोन्स है ऑसिफाइड है लेकिन एक बोन ऐसी है जिसमें एयर कैविटीज होना बहुत ही जरूरी है इनकी बोन्स बेटा जी आर न्यूमेटिक बोन्स लॉन्ग बोन्स आर न्यूमेटिक ठीक है न्यूमेटिक का क्या मतलब होता Hollow, बोन्स है लाइट इन वेट करना है ना ऊपर उड़ना है खोखली इसीलिए रखी है ठीक है जी डाइजेस्टिव चेंबर में दो एक्स्ट्रा है क्रॉप एंड गिजेट जैसे कॉकरोच में भी होता है फोर चेम्बर्ड हार्ट है तो वार्म ब्लडेड है कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर में कर सकते हैं रेस्पिरेशन किसके द्वारा है लंग्स के द्वारा लेकिन लंग्स को सपोर्ट करने के लिए एयर सैक्स भी प्रस्तुत है ठीक है जी फर्टिलाइजेशन इंटरनल ये सारी आपकी एग्जाम्पल बाकी बचे मैमल्स मैमल्स तो हम हैं क्या फीचर्स हैं हमारे पास मैमल्स का नाम मैमल्स इसीलिए क्योंकि मैमरी ग्लैंड होते हैं इनके पास हेयर होते हैं इनके पास एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है ठीक है जी हर जगह आपको मिलेंगे उड़ते भी हैं कुछ मैमल्स पानी में भी मिल जाएंगे एंड द मोस्ट यूनिक फीचर इज मैमरी ग्लैंड दो पेयर ऑफ लिम्स हैं फोर लिम्स हाइंड लिम्स ठीक है जी स्किन कैसी है स्किन पे बेटा जी हेयर प्रस्तुत है और प्रॉपर हमारे पास एक्सटर्नल पिन्ना प्रेजेंट है रेस्पिरेशन कैसी है लंग्स के द्वारा है ओके okay जी विवीपेरस होते हैं बट एक्सेप्शन है ओविपेरस मैमल्स है. होते हैं जो सबसे प्रिमेटिव है ऑर्निथोरिंकस एंड एकिडना ये दिया हुआ ओविपेरस मैमल्स निथोरिंकस एंड एकिडना बाकी विवीपेरस जैसे जी कैंगू कैंग्रू को बेटा जी मैक्रोपस बोला जाता है एंड दे बिलोंग टू मेटाथिरियन कैटेगरी क्या होते हैं इनको पाउस्ट मैमल्स बोलते हैं दे आर पाउस्ट मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं ठीक है ये टेरोपस फ्लाइंग कैमलस इसमें डॉल्फिन और बलेन ऑफ टेरा भी आ जाएंगी ब्लू वेल एंड डोल्फिन मैमल्स ठीक है जी तो ये बात हो गई हमारे मैमल्स <laughs> की जाओ ना लक्ष्य जाओ 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 जाते क्यों नहीं हो बेटा एक क्लास दस बारी आपकी रीस्केड्यूल होती है है ना आपको जिसको जाना चाहिए मैं अगर छह बजे क्लास ले रही हूं ये चीज याद रखिएगा वो माइंड मैप्स नहीं मिलेंगे तो अभी आपका डिसीजन है कल हमारा टेस्ट है ना हमारी क्लास का आज तक टाइम चेंज हुआ है ना हमने कभी उसको रिस्केड्यूल किया है तो मैं इसको रिस्केड्यूल नहीं करने वाली हूँ रिस्केड्यूल्ड क्लासेस अगर मेरे टाइम पे होंगे तो वो आपकी चॉइस है आपको क्या करना है कल का टेस्ट पहला टेस्ट सीरीज है अगर आज और कल आपने अपनी शक्ल नहीं दिखाई इन टेस्ट में और टेस्ट सीरीज में और क्लास में तो बेटा ये आखिरी टेस्ट भी आपका हो सकता है सो इट इज नाउ अप टू यू वेदर यू वॉन्ट दिस टेस्ट सीरीज और यू डोंट वॉन्ट ठीक है जी चलो मिलते हैं बेटा छः बजे जिसमें बचे हैं दस मिनट क्लास ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है इफ़ यू वॉन्ट देम यू हैव टू अटेंड एंड इफ यू वॉन्ट दिस डेली क्लास बेटा जी बहुत कम टीचर हैं जो तुम्हें सच्चे में दिल से टाइमली तरीके से कमिटेड फॉर्म में कंप्लीट कराते हैं देर आर वेरी फ्यू टीचर्स तो यू हैव टू फाइंड आउट एंड यू हैव टू स्टिक विद देम ठीक है अब तक आपको सबका लहजा बिहेवियर समझ आ जाना चाहिए राइट तो इसीलिए अपना फोकस टाइम सही जगह सही जगह सही प्लेटफॉर्म पर लगाएं आपका टाइम बहुत कीमती है है ना इट मैटर्स तो हमारा कमिटमेंट था चार दिन का चार दिन का रिवीजन चैलेंज आपको खत्म करना ही करना है इफ यू वांट कि हम इसको आगे करें नहीं तो फिर बेटा मेरी मेहनत भी वेस्ट है ना मैं भी क्यों करूं मेरे को भी लगता है वाई आई स्टैंडिंग ये कंप्लीटिंग एवरीथिंग

अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए लाइक मेरे को दिख नहीं रहे यार ऐसा क्यों है लाइक्स नहीं है फटाफट से सेशन को लाइक करो <coughs> फटाफट से सेशन को लाइक कर दो बच्चों ठीक है एंड हमारा पोर्शन हो चुका है पूरा अब आप मुझे मिलिए छह बज के, के पांच मिनट पे हाँ सिक्स फाइव पे हम स्टार्ट करेंगे ये सारी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे ओके येस? चलो मेरे बच्चों बाय बाय टेक केयर एंड मिलते हैं कल की बेटा जी स्पेशल प्रैक्टिस क्लास कोई मिस नहीं करेगा ये चैलेंज चल रहा है आपका रिविजन चैलेंज अभी मैं आपको माइंड मैप्स कराने वाली हूं एंड देन बेटा जी आपका कल टेस्ट सीरीज शाम को छह बजे टेस्ट सीरीज का डिस्कशन तीन चैलेंज बचे हैं बेटा जी इसमें आज और कल में तीन चैलेंज होंगे तभी बेटा जी आपके तीस नंबर पक्के होंगे अब तुम सोच लो तुम्हें तीस नंबर चाहिए कि नहीं चाहिए ठीक है चलो बाय पहुंच जाओ छह बजे अच्छा हाँ एक चीज बतानी रह गई जस्ट अ सेकंड हाँ यू आई इज ऑलरेडी लाइव बेटा जी ये भी बताना बहुत जरूरी है आपके बेनिफिट की चीज़ है आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पेन पेपर और ऑफलाइन मोड में दे सकते हो ऑनलाइन मोड में भी दे सकते हो कॉम्बो भी ले सकते हो साथ ही में कल अपना टेस्ट सीरीज है एंड टूल किट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा दिया है जिसमें आपको पी वाई क्यूज चैप्टरवाइज मिल जाएंगे पीडीएफ भी और उसको टेस्ट देने का मौका भी हाँ अब हम जा सकते हैं अब हम मिलेंगे थोड़ी देर में ठीक है बाय